नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोरॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है नई 2019 जिक्सर 155। और इसका ऐसा वेरिएंट जो है उसका हमने रिव्यू किया था बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर और वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन ये मोटरसाइकिल जो है ये हमें अभी मिली है और इस मोटरसाइकिल में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। जिक्सर 155 अपने सेगमेंट की सर्वश्रेष्ठ मोटरसाइकिल्स में गिनी जाती थी और इस मोटरसाइकिल में क्या नई खूबियाँ हैं, क्या इसमें खामियाँ हैं और ये अपने सेगमेंट की और दूसरी गाड़ियों से कितनी बेहतर है या कितनी ख़राब है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू हम लोग करेंगे इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उससे। तो सबसे पहला बदलाव जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा वो है ये हेडलैम्प। पहले वाली मोटरसाइकिल के अंदर आपको एक बिकनी फेयरिंग वाली हेडलैम्प मिलती थी जहाँ पर कन्वेंशनल हेलोजन बल्ब्स मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको ये मल्टी रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प मिला है। इसकी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरी जो शिकायत है LED हेडलैम्प के साथ में वो ये है कि यहाँ पर आपको बरसात के दिनों में जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। हालांकि इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है लेकिन विजिबिलिटी जो है अपने आप में वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। दूसरा बड़ा बदलाव जो आप यहाँ पर आप देखेंगे वो ये है कि इस टैंक में ये जो रिसेस है, ये जो डिम्पल है, इसे ज़रा आगे की ओर ले लिया गया है और पहले ये ज़रा ऊपर था और ज़्यादा बड़ा भी था, लेकिन अब इसे ज़रा नीचे ले लिया गया है। और उसके अलावा ये जो टैंक एक्सटेंशन है ये भी अब ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा बड़ा है। और ओवरऑल अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो एक गाड़ी ज़्यादा मीटी लगती है। पहले वाली मोटरसाइकिल जो थी वो ज़रा स्लिम लगती थी आप साइड से देखते थे तो, लेकिन अब इस नए अवतार में ये मोटरसाइकिल जो है ज़्यादा मीटी, ज़्यादा मस्कुलर, ज़्यादा स्टॉक लगती है। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि इस गाड़ी की जो लेंथ है इसे ज़रा कम कर दिया गया है, लेकिन व्हील बेस जो है इसे 5 mm बढ़ा करके भी 1335 mm कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है। उसके अलावा ये सीट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहले एक सिंगल सीट थी, हालांकि वहाँ पर भी एक स्टेप था पीछे, लेकिन अब ये स्प्लिट है और आगे और पीछे दोनों तरफ आपको अलग अलग सीट्स मिलती हैं। सीट हाइट भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, यहाँ पर अब 795 mm है जो कि 15 mm बढ़ा दी गई है, यानी कि जो आप में से शॉर्टर राइडर्स हैं उनको ज़रा तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन 795 mm बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और मेरे ख्याल से आप में से जो लोग 5'4" 5'5" भी हैं हाइट के मामले में उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी ये गाड़ी चलाने में। पिलियन सीट मैंने बैठ करके देखा और यहाँ पर अगर आप अपना पैर इस तरह से स्विंग करने की कोशिश करेंगे तो ज़रा ऊंची है पीछे वाली सीट। जब आप पीछे बैठते हैं तो आप सामने वाले राइडर से काफ़ी ऊपर बैठते हैं। कुछ कुछ आपको यामाहा R15 की याद दिलाएगी ये। और ये सस्पेंशन जो है ये भी काफ़ी स्टिफ है, तो ये पीछे वाली पिलियन सीट जो है ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस के लिए अच्छी नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंसेस सिटी कम्यूट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगी। एक और जो बदलाव है वो आपको यहाँ टेल लैंप में देखने के लिए मिलेगा। पीछे आपको यहाँ पर ये LED लैंप्स मिलते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी मिनिमलिस्टिक हैं लेकिन वाइड हैं, तो इस गाड़ी का जो स्टॉकी मस्कुलर कैरेक्टर है उसे उभार के सामने लाते हैं। हालांकि हेड लैंप्स और टेल लैंप्स यहाँ पर आपको LED मिलते हैं, लेकिन ब्लिंकर जो हैं आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको बल्ब मिलेंगे, यहाँ पर आपको LED यूनिट्स नहीं मिलेंगी। एक बड़ा और बदलाव जो यहाँ पर किया गया है वो ये है कि यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, और हालांकि डुअल चैनल ABS की ऑप्शन यहाँ पर आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी सिंगल चैनल ABS होना भी बहुत अच्छी बात है। ये 155cc इंजन जो पहले वाला था वही यूनिट है, हालांकि अब सरप्राइजिंगली यहाँ पर पावर ज़रा कम हो गई है। 14.1 PS की पीक पावर यहाँ पर मिलेगी आपको 8000 RPM पर, और जो टॉर्क है वो है 14 Nm एट 6000 RPM। पावर यहाँ पर 0.7 PS कम हो गई है और उसका रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि ये गाड़ी अब BS6 रेडी है, तो नए एमिशन नॉर्म्स को मीट करने के लिए पावर जो है ज़रा कम हो गई है। एग्जॉस्ट जो है पहले जैसा ही है और व्हील्स जो हैं आगे और पीछे 17 inch मिलते हैं आपको। सामने की तरफ आपको MRF नाइलो ग्रिप जैपर टायर मिलता है, 100 सेक्शन टायर सामने की तरफ है, और पीछे आपको MRF रेव्स टायर मिलते हैं, रेव्स M वेरियंट, और यहाँ पर आपको 140 सेक्शन रेडियल टायर्स मिलते हैं। और इन टायर्स से ग्रिप जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी बरसात शुरू है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम गाड़ी को पूरी तरह से साफ़ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बारिश में जब हमने इस गाड़ी को चलाया तो हमें स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगी, टायर से जो ग्रिप थी वो बहुत अच्छी लगी। और दूर वहाँ पर आपको अपाचे 160 भी खड़ी नज़र आएगी, उसके कंपेरिजन में वहाँ पर TVS टायर्स लगे हैं और ये जो MRF टायर्स है इनकी जो ग्रिप थी वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको 160 mm का मिलेगा जो कि सफिशिएंट है। बहुत ख़राब अगर कोई स्पीड ब्रेकर है तो वहाँ पर शायद कुछ रगड़ खाए नीचे वाले पार्ट्स, लेकिन उसके अलावा आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पर रेयर सस्पेंशन जो है ये मोनोशॉक यूनिट है, 7-स्टेप एडजस्टेबल है, और मेरे ख्याल से ये जो सस्पेंशन है ये काफ़ी स्टिफ़ है,
गाड़ी की स्टेबिलिटी, हैंडलिंग और जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा उभार के सामने लाता है। लेकिन कंफर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सस्पेंशंस में से ये नहीं है। आगे और पीछे दोनों ही तरफ मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी है ये थोड़ी और सॉफ्ट हो सकती थी सिटी कम्यूट और कम्फर्ट के हिसाब से। चलिए अब गाड़ी पर बैठ के देखते हैं कि सीटिंग पोजिशन कैसी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीट हाइट जो है उसे ज़रा बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच होने के बाद आप जैसा कि नीचे देखेंगे मेरी एड़ियाँ पूरी तरह से ज़मीन में गड़ी हुई हैं दोनों तरफ और वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जब आप गाड़ी पर बैठते हैं तो आपके पैर जो हैं वो ज़रा पीछे की ओर जाते हैं, ज़रा रियर सेट है इसका फुट पैक, तो एक स्पोर्टी पोजिशन आपको मिलती है। और हैंडल बार जो है ये भी काफ़ी नीची है, हालाँकि एक स्पोर्टी फुली फेड स्पोर्ट बाइक जैसे कि आर1 5 होती है उस तरह से बहुत ज़्यादा नीची नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी काफ़ी हद तक ये स्पोर्टी स्टांस आपको देती है। जो टैंक है ये काफ़ी चिजल्ड, काफ़ी मस्कुलर लगता है, क्वालिटी का एक एहसास होता है आपको और गाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से पुट टुगेदर महसूस होती है जब आप गाड़ी के ऊपर बैठते हैं। तो अगर आप स्विच गियर को देखेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर ये डे फ्लैशर है, हाई और लो बीम के टॉगल बटन है, ये इंडिकेटर है और यहाँ पर हॉर्न है, यहाँ पर आपका इंजन किल स्विच है और ये इलेक्ट्रिक स्टार्टर है, यहाँ पर ये एक डमी स्विच दे करके रखा है और ये है आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। चलिए इसे चालू करके देखते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रल इंडिकेटर है, ये ABS की लाइट है, ये इंजन मेलफंक्शन लाइट है और उसके अलावा ऊपर आपको टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पर स्पीडो मिलता है, ये फ्यूल गेज, यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा टाइम और ये आपके ट्रिप से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी या उस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं दी गई हैं। कुल मिलाकर के जब आप इस गाड़ी पर बैठते हैं तो आपको एक नॉर्मल कम्यूटर या फिर एक नॉर्मल जो नेकेड स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल होती है उससे ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंस मिलता है। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप कम्यूटर बाइक चलाने के आदि हैं तो ये आपको ज़रा सा ज़्यादा एग्रेसिव लगेगा। उसके अलावा एक और जो चीज़ मैंने महसूस करी वो ये है कि आप काफ़ी फॉरवर्ड बैठते हैं, दूसरी गाड़ियों की तरफ काफ़ी पीछे नहीं बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, तो ये जो गाड़ी का स्टांस है काफ़ी ज़्यादा फ्रंट बायस है और सामने काफ़ी सारा वेट यहाँ पर दिया गया है। रेयर व्यू मिरर्स की अगर मैं बात करूँ तो सफिशेंटली वाइड है, यहाँ पर आपको व्यू भी जो है पीछे का बहुत अच्छा मिलता है। मैंने इसे कल काफ़ी वक्त चलाया और शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन रेयर व्यू मिरर में जो गाड़ी आपको शायद नज़र आ रही होगी, अगर मैं अपाचे की बात करूं तो उस गाड़ी के जो मिरर्स हैं वो ज़रा ज़्यादा वाइड है, तो थोड़ा और ज़्यादा अगर वाइड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन शिकायत करने जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की और जो इंजन है यहाँ पर ये है 155 cc 2 valves पर सिलेंडर यूनिट और ये जो इंजन यूनिट है ये पहले जैसी है, हालाँकि अब ये BS6 रेडी है और परफॉर्मेंस के मामले में BS6 रेडी होने के कारण यहाँ पर पावर में ज़रा कमी आई है। पहले से 0.7 PS पावर यहाँ कम हो गया है और पीक पावर अब है 14.1 PS एट 8000 RPM और पीक टॉर्क जो है वो है 14 न्यूटन मीटर्स एट 6000 RPM। अब ये पावर फिगर्स जो हैं ये क्लास लीडिंग नहीं है और जिक्सर जो है ये शुरू से ही अपनी क्लास की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन इसकी खासियत जो हमेशा से थी वो ये थी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त थी, ये काफ़ी लाइट वेट थी और वेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 4 किलो वेट इस मोटरसाइकिल का बढ़ गया है और जो नया इसका कब वेट है वो है 140 किलोग्राम्स। उसके कारण जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर आपको मामूली सा कुछ फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन इंजन का जो कैरेक्टर है, जो रेव हैप्पी नेचर है, जो वाइब्रेशन फ्री नेचर है इस पूरी मोटरसाइकिल का, वो जो का तो है। मैंने इस गाड़ी को कल टेस्ट किया, बहुत एक्सटेंसिवली टेस्ट किया और मेरी नज़र में इस गाड़ी का जो पावर है वो 6000 RPM के बाद प्रॉपरली बिल्ड होना चालू करता है और उसके बाद ये 9500 RPM तक बिना किसी दिक्कत के पहुँचती है। 9500 RPM पर ही इसकी रेडलाइन है और वहीं पर लिमिटर आकर के कट करता है। इस गाड़ी को जब मैंने गियर्स के लिए टेस्ट किया तो पहली गियर के अंदर जो टॉप स्पीड मुझे मिली वो थी 44 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड गियर में 66 किलोमीटर पर आवर, थर्ड गियर में 88 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ गियर में ये गाड़ी 109 किलोमीटर पर आवर तक पहुँची और इसकी टॉप स्पीड जो थी वो थी 121 किलोमीटर पर आवर। अब हालांकि अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं है, लेकिन इस इंजन का जो कैरेक्टर है एकदम रेव हैप्पी जो इसका कैरेक्टर है, जिस तरीके से ये गाड़ी रेव करती है, जिस तरीके से अपने छोटे कैपेसिटी के बावजूद और 2 valve पर सिलेंडर होने के बावजूद आपको थ्रिल करती है, वही इस गाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक और जो काफ़ी बड़ी खूबी है इस गाड़ी की वो ये है कि जब आप इस पर बैठते हैं और इसे चलाते हैं तो एक बड़ा ही स्टेबल, बड़ा ही कनेक्टेड आपको फील मिलता है, बहुत ही सॉलिड वेल पुट टुगेदर गाड़ी का आपको फील आएगा। ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त है और जब आप इसे बहुत तेज़ स्पीड से भी ब्रेक करते हैं तो किसी तरह की वॉबलीनेस नहीं होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन में गाड़ी ब्रेक करती है
ABS बहुत अच्छे से काम करता है और ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ABS सही टाइम पर किक इन करता है। कुछ गाड़ियों में हमने देखा है कि ABS जो है बहुत जल्दी किक इन करने लगता है, जो कि एक इंट्रूजन बन के आता है और वो बड़ा नेचुरल सा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा जब आप इस गाड़ी पर बैठेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो नी रेसेस हैं ये बहुत नेचुरली आपके नीज़ को जगह देते हैं और आप अपने आप को गाड़ी से एकदम जुड़ा हुआ सा महसूस करते हैं। तो ये नी रेसेस, ये टैंक की जो शेप है, ये न सिर्फ देखने में बहुत अच्छी है बट काफ़ी फंक्शनल भी है। तो उस लिहाज से जब आप गाड़ी पर बैठ करके चलाते हैं तो बड़ा ही कनेक्टेड, बड़ा ही सॉलिड फील आता है। इंजन का करेक्टर कुछ ऐसा है कि नीचे की तरफ ज़रा टॉर्क कम है, लेकिन जैसे ही आप 3,500 RPM तक जाते हैं तब रिस्पॉन्स जो है इंजन का थ्रॉटल की तरफ वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। प्रैक्टिबिलिटी सिटी के हिसाब से आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। मेरे ख्याल से अगर आप हायर गियर्स में भी लो स्पीड पर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको गियर बदलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गियर शिफ्ट बहुत ही स्मूथ है, 5-speed गियर बॉक्स पहले भी था वो यहाँ पर अभी भी है, और यहाँ पर जो क्लच लेवर है ये काफ़ी लाइट है, तो अगर आप सिटी में स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में भी चला रहे हैं तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। राइडिंग स्टांस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ा सा स्पोर्टी साइड पर है, लेकिन अगर आप एक कम्यूटर मोटरसाइकिल से यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अडेप्ट करने के लिए। एयर आई फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर 64 km/L है, बट जैसा कि आप जानते हैं कि एयर आई फ्यूल एफिशिएंसी और रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क होता है, तो यहाँ पर जो इन सिटी फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी वो है लगभग 40 km/L, और हाईवे पर अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली नहीं चला रहे हैं तो आपको मिलेगी 50 km/L। तो फ्यूल एफिशिएंसी पार फॉर द कोर्स है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनके मुकाबले ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी ही देती है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पैकेज है। स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, बड़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रीट फाइटर नेकेड की जिस तरह की स्टाइलिंग होनी चाहिए वैसी स्टाइलिंग है, और ये जो एक नया ओवल शेप्ड हेडलैम्प है ये इसके स्ट्रीट फाइटर लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है। जो बिकिनी फेयरिंग थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी मेरे ख्याल से अपने नए अवतार में, ये मोटरसाइकिल पहले वाली मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा मीटी, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मस्कुलर लगती है, और मेरे ख्याल से ये जो सटल डिज़ाइन चेंजेस किए हैं सुजुकी ने वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो क्या है जिक्सर 155 की विशेषता? अब देखिए अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, लेकिन ये जो गाड़ी है ये सिर्फ एक वेरिएंट में आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको ABS भी स्टैंडर्ड है और FI भी स्टैंडर्ड है, और उसकी कीमत है 1 lakh rupees एक्स शोरूम, और ये अपने सेगमेंट की 155-160cc सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ी है। जो दूसरे पायदान पर गाड़ी आती है वो है अपाचे 160 4V FI विद ABS, और अगर आप पावर आउटपुट की बात करेंगे तो पावर आउटपुट वहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये हमेशा से ही अपनी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी, अपनी हैंडलिंग, अपने मजबूत इंजन और इसका जो ओवरऑल कैरेक्टर है उसके लिए जानी जाती है। तो ये गाड़ी डेफिनेटली ज़रा महंगी है, लेकिन ये अपनी क्वालिटी, अपनी रिलायबिलिटी और अपने सेगमेंट में अपनी श्रेष्ठता जो है वो अपने पिछली जनरेशन में साबित कर चुकी है। और अगर आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो कि लाइट वेट भी हो, मैनेजेबल हो, बहुत ज़्यादा भारी ना हो और हर तरीके से सिटी में या हाईवे में डायनामिकली बड़ा एबल हो, तो उस लिहाज से ये गाड़ी आज भी मेरे ख्याल से अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक है। सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा फास्ट ये नहीं है, लेकिन इसकी जो क्यूबिक कैपेसिटी है उस लिहाज से इसका परफॉर्मेंस, इसकी हैंडलिंग, इसकी डिपेंडेबिलिटी और इसका जो ओवरऑल जो डायनेमिक कैरेक्टर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्ड क्वालिटी इसकी लाजवाब है, मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको यहीं पर मिलेगी। तो ये है जिक्सर 155 का सार। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको नई 2019 जिक्सर 155 के बारे में सब कुछ बता पाया। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों के जवाब दूं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो मोटोरॉइड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, हम वहाँ भी हैं और हमारे अपडेट जो हैं वहाँ पर ज़रा जल्दी आते हैं। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड राइड सेफ।